तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ खेमल के स्टूडेंट पोस्टर कलर्स, जो कि आता है 18 शेड्स में। और आज इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। और नई बात यह है इसमें कि इसमें आते हैं 18 शेड्स, जिसमें आपको 4 स्पेशल शेड्स मिले हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूसिंग 4 स्पेशल शेड्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड पिच। तो गोल्ड और पिच वो उन 4 स्पेशल शेड्स में से 2 शेड्स हैं। ओके सो एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 18 बॉटल्स ऑफ 10 ml ईच। हर एक बॉटल में आपको 10 ml कलर मिलेगा। एंड इसमें 1 पैलेट मिला है एंड एक ब्रश मिला है। एंड ये मुझे पड़ा है 250 रुपीज़ में। ओके और साथ साथ आपको यहाँ पे कैमल आर्ट कॉन्टेस्ट का एक एंट्री लेवल कार्ड भी मिलता है, जिसके थ्रू आप उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने बच्चों को या अपने फ्रेंड्स को जो कम उम्र के हैं। शायद 5 to 13 ईयर के लिए है ये कॉन्टेस्ट। अंदर में देखा नहीं अभी तक खोल के, तो उसमें हमें पता चलेगा कि किस एज ग्रुप के लिए कॉन्टेस्ट है। ठीक है, तो आज का वीडियो आज शुरू करते हैं। तो इसे खोलता हूँ मैं। जैसे कि आप सबको पता है अभी लॉकडाउन हो चुका है, तो हमारे पास आर्ट मटेरियल की कमी हो जाती है। तो ये ज़रूरी है हमें कि हम अपने आर्ट मटेरियल का एक स्टॉक जमा के रखें, जिससे कि हमारा काम बंद ना हो। तो ये खुल गया है, आप देख सकते हैं। अभी बॉक्स खोलना चाहिए। बहुत टाइट है, शायद फाड़ना ही पड़ेगा। तो लीजिए, बॉक्स खुल गया है, आप देख सकते हैं ये ब्रश। तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर हर टाइप के ब्रश जो होते हैं, उनके ब्रिसल्स जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं, बट इसका जो है वो ब्लैक कलर है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसे रख देते हैं यहाँ पर। एंड ये है पैलेट, अच्छा पैलेट है, क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी है। बच्चे जो है वो अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके और ये है एंट्री लेवल कॉन्टेस्ट, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हर प्रकार का ग्रुप है, जैसे ए बिलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 10th, 12th तक के। मतलब बहुत ज़्यादा लेवल हो गया है। 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये उनके स्कूल के द्वारा, प्रिंसिपल टीचर्स के द्वारा होता है। तो इसे हम भी हम रख देते बाजू। एंड फाइनली द कलर्स, तो एक एक करके मैं आपको सभी कलर्स दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला कलर है वाइट, पोस्टर वाइट जो आप देख सकते हैं। उसके बाद है केरियलियन ब्लू, जो कि नया कलर है, शायद जो 4 शेड्स में बताया गया था नए कलर से। उसके बाद है प्रेशियन ब्लू। उसके बाद है लाइट ग्रीन। उसके बाद है पोस्टर ग्रीन। उसके बाद है मैग्नेटा। ये भी उन कलर्स में से होता है जो हम कलर्स जल्दी बना नहीं पाते, या इस टोन के जैसे कलर बनते नहीं हैं, इसलिए नए कलर्स बहुत इनका साथ मिलता है। उसके बाद है क्रोम येलो मीडियम, ये भी एक बहुत अच्छा कलर है, जो येलो शेड में है। बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होता है कलर,
तो इसलिए मैं भी इसको बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये उसके बाद है क्रिम्सन कलर, जो एक्चुअल में रेड है, जो 6 कलर्स जो आते हैं उसमें यही रेड होता है, ठीक है। उसके बाद जो वॉयलेट कलर, उसके बाद है पोस्टर रेड, ये सबसे वाइब्रेंट होता है और बहुत ही अच्छा कलर होता है, मतलब किसी रियलिस्टिक चीज़ में बनाने, जैसा एप्पल हो गया या कुछ रेड कलर का जो हो गया, तो ये जो रेड है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये है कोबाल्ट ब्लू, और ये है गोल्ड, जैसे कि इसमें बताया गया था 4 शेड्स से नए, तो नए 4 शेड्स में से ये एक है गोल्ड, बहुत अच्छी बात है। वाटर कलर में गोल्ड कलर, इसके बाद है पिच, जिसको हम स्किन कलर बोल सकते हैं, यह है स्किन कलर जो स्किन टोन्स में यूज़ होता है जनरली। उसके बाद ब्रंट सियाना, ये भी एक सही कलर है। उसके बाद है ब्लैक कलर, उसके बाद है ऑरेंज कलर, उसके बाद है लेमन येलो, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कलर। एंड आखिर में है येलो ऑकर। ये है सब आपके कलर्स जो हमें इस बॉक्स में मिलते हैं, 18 शेड्स। तो इन कलर के बारे में कहा जाए तो काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, एंड नए शेड्स मिले वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एक्चुअली जो पोस्टर कलर जो होते हैं वाटर कलर से थोड़ा सा अलग होते हैं, वाटर कलर स्प्रेड हो जाते हैं पेपर पे, उसके लिए अलग से पेपर भी अच्छा लगता है। अच्छा, कहने का मतलब ये कि वाटर सॉल्युबल पेपर होना चाहिए जो एब्जॉर्ब कर सके, नहीं तो वाटर कलर हम किसी भी पेपर पे यूज़ नहीं कर सकते। पर पोस्टर कलर जो है वो हम पतले से पतले पेपर पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब उतना भी पतला नहीं, बट ड्राइंग पेपर जो होते पतले होते हैं उस पर हम यूज़ कर सकते हैं। और इनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है, पानी मिलाने से ज़्यादा भी एकदम पानी पानी नहीं हो जाते, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और जो शेड्स की हमें एक लेयर बनानी होती है, जैसी येलो कलर है उसका हमको जो है कम से कम पानी उसमें मिला मिला के जो शेड्स का मतलब लाइट करना होता है, तो उसमें इसका यूज़ बहुत अच्छा है, ये कलर बहुत अच्छा साथ देते, बहुत अच्छा रिजल्ट देते। तो ये कुछ बातें थी पोस्टर कलर्स के बारे में, और रियलिस्टिक लुक होता है उसमें भी ये कलर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे लोग पोस्टर कलर्स का यूज़ करते हैं, हालांकि वो आर्टिस्ट ग्रेड के कलर यूज़ करते हैं, बट ये भी कलर बहुत अच्छे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई शंका कुशंका हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या मुझे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो मैं उसका जल्द ही आपको जवाब दूंगा अपने अगले वीडियो में। और मैं अगले वीडियो में इस पोस्टर कलर से बनाई हुई एक पेंटिंग आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे दिखती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, जय हिंद, जय भारत।